हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो अगर आप मई जून में ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप हमारी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस नहीं तैयार किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस नाम की एक प्लेलिस्ट है जहाँ से आप ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियोस में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वहां पर मैं अपने वीडियोज के लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो आज के इस टेस्ट में हम प्रीवियस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, साथ में किन किन लोगों ने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट किए उनके नाम भी हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डिकोडिंग या फिर डिबगिंग। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिबगिंग। और जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होती है उसको बोलते हैं बग। और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोग्राम में होने वाली एरर को किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं बग। अगला क्वेश्चन है, ईबीसीडी में कुल कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं? और ईबीसीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 256 मैक्सिमम कैरेक्टर्स को हम ई बी सी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने वाला वायरस है, मींस हमारे लैन से कनेक्टेड सभी सिस्टम्स को कौन सा ऐसा वायरस है जो संक्रमित कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वार्म्स। वार्म्स एक ऐसा वायरस होता है जो लैन से कनेक्टेड सभी सिस्टम्स को ये संक्रमित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल डेटा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, मींस किस कंपनी ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईबीएम। तो अगला क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस को चुनने के लिए कंट्रोल राइट एरो का प्रयोग करते हैं। यहां पे ये जो सिंबल बना हुआ है राइट एरो का सिंबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम सेंटेंस या किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में राइट एरो को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी सुविधा किस वर्ष लागू की गई? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2005। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 लाख से कम अमाउंट को अगर किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी सुविधा का उपयोग करते हैं, जबकि 2 लाख से ऊपर की धनराशि किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है। और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है? तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है एमएस एक्सेल से। शॉर्टकट कीज के लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे आपको वर्ड एक्सेल की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, जिस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ में शॉर्टकट कीज को एक्सप्लेन किया है, तो इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस 1 सेल को फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की होती है।
जिसे हम सेल का फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल कैप की शॉर्टकट की। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। अगर ये तीनों कीज हम एक साथ प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ए, तो यहां पे देख पा रहे होंगे जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। तो ये ऑल कैप की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सब फंक्शन का प्रयोग घटाने मीन सब्ट्रैक्ट के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एक्सेल में सब मीन सब्ट्रैक्ट नाम का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी कैरेक्टर फॉर्मेट को सरलता से कॉपी करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट दिया गया है। यहाँ पे पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। सीरियल पोर्ट की अपेक्षा पैरेलल पोर्ट में जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो अगला क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन या फिर लॉग ऑफ। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वार्म बूटिंग। जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो बूटिंग होती है उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, और जब हमारा सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से ऑफ होता है पावर ऑन होने के बाद उसको हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी जो बूटिंग होती है उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एक्सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रिम। ट्रिम एक फंक्शन होता है जो एक से ज्यादा स्पेसेस को हटाने के लिए एक्सेल में यूज किया जाता है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली भी बताया एक्सेल के वीडियोस में। तो अगर आपने ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एक्सेल के वीडियोस देखे होंगे तो इस टाइप के आपको काफी सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, प्रिंटर। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अभी तक 105 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम टोटल वीडियोस की बात करें तो लगभग 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितने ज्यादा वीडियोस देखेंगे, उतना अच्छा ग्रेड आप ला सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको 350 से ज्यादा वीडियो सिर्फ ट्रिपल सी के लिए मिल जाएंगे। अगर आप कई बुक्स मिला के पढ़ रहे हैं तब भी हो सकता है इतना कंटेंट आपको उन बुक्स में ना मिले जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आप सिलेबस कंप्लीट करें और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहें, 100% आप एक अच्छे ग्रेड से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोचिंग या कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। अगला क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थाई रूप से कहां स्टोर रहता है।
और ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रैम। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटर्नल, और इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी जानते हैं या फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, या इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं फ्लॉपी डिस्क को। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण डेटा के लिए, स्थायी डेटा के लिए, या फिर मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी होती है, जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो रैम से काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से ये प्रोसेसर और रैम के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। अब इसको पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। प्रोसेसर जो डेटा प्रोसेस करता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा होती है, जबकि रैम की बात करें तो इसकी डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो प्रोसेसर की तुलना में काफी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैश मेमोरी बीच में यूज की जाती है ताकि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे डेटा सप्लाई किया जा सके। तो सबसे पहले डेटा हमारा रैम से कैश मेमोरी में आता है और कैश मेमोरी प्रोसेसर को डेटा सप्लाई करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो आज के टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब टाइम हो गया है कल के टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर बताने का, और साथ में हम उन सभी लोगों के नाम भी बताएंगे जिन लोगों ने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, प्रोग्रामों का सेट जो कंप्यूटर निर्माण के समय रूम में पहले से इंस्टॉल होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन था, कितने किलोबाइट में एक मेगाबाइट होता है? और काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कट एंड पेस्ट। अगर आप कोई डेटा मूव करना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले उसे कट करते हैं, उसके बाद पेस्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था, बिट का पूरा नाम, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। और अब टाइम हो गया है आज के क्वेश्चंस का, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोग भी इन क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जाएगा, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये जल्दी से देख लेते हैं किन किन लोगों ने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। तो सबसे पहला नाम है रोली, गोलू, मुकेश, चक्रधारी सिंह, चित्रा, अब्दुल, स्वाति, नीरज, ज्योति, काजल, आकर्षित, पूनम, सादाब। इन सभी लोगों ने कल के क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, और आप लोग भी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, मींस इसका फुल फॉर्म बताना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? तो इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, इससे आपने क्या क्या सीखा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अपने वीडियोज के लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। आप चाहे तो हमें मेल कर सकते हैं infogyanexp@gmail.com। और अगर आप ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।